सभी का स्क्रीन विजिबल है ना? यस सर। अभी चल तक जब हमने ये जो रेड वाला हमने एनर्जी बैंड डायग्राम बना रखा है वो तुम्हारा तब है जब तुम्हारा इक्विलिब्रियम लाई कर रहा है, एंड येलो वाला जो एनर्जी बैंड डायग्राम है ये बेसिकली तब है जब तुम्हारा जो बायसिंग है वो हमने प्रोवाइड कर दी। जब हमने वो बायसिंग प्रोवाइड कर दी है उस बायसिंग के बाद जो तुम्हारा एनर्जी बैंड डायग्राम बन रहा है वो ये है। ठीक है, अब देखो चेंजेस क्या है। जब तुमने इक्विलिब्रियम नहीं दिया हुआ था तब जो जो ये बैरियर हाइट थी या जो पोटेंशियल एनर्जी में डिफरेंस था वो किसके बराबर था, हमने कहा क्यू वी नॉट, या यही इसी को तुम क्यू वी बी आई देखते आ रहे हो। ठीक, बट अब ये जो पोटेंशियल बैरियर है क्योंकि तुमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल प्रोवाइड की है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये बैरियर की हाइट में रिडक्शन हुआ। ये रिडक्शन क्यों हुआ, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो थी, जो नई इलेक्ट्रिक फील्ड का जनरेशन हुआ है उसकी डायरेक्शन अपोजिट है, जो तुम्हारी पीएन जंक्शन की इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमने ये इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट की है, जो क्या कर रही है इसको टोटल एनर्जी, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड अक्रॉस डिप्लीशन रीजन को रिड्यूस कर रही है। और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के रिडक्शन को अगर हम एनर्जी बैंड डायग्राम में देखेंगे तो हमें क्या दिखाई देगा, ये जो पोटेंशियल एनर्जी में डिफरेंस हम क्यू वी नॉट देख रहे थे, अब ये पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, क्यू वी नॉट माइनस क्यू वी एफ, मीनिंग ये पोटेंशियल एनर्जी में जो डिफरेंस था ये अब रिड्यूस हो गया। जो बैरियर की हाइट थी वो क्या हो गई है, रिड्यूस हो गई। सेम यहाँ भी ऐसे ही केस होगा, मतलब वैलेंस बैंड की साइड में भी पोटेंशियल एनर्जी में रिडक्शन आपको दिखेगा। एंड सेकेंड थिंग जो हो रही है वो ये कि अभी तक फर्मी लेवल पूरे में कांस्टेंट था, अभी तक फर्मी लेवल पूरे में कांस्टेंट था, बट अब क्या हो रहा है, पी साइड का फर्मी लेवल नीचे चला गया है और एन साइड का फर्मी लेवल ऊपर चला गया है। ठीक है, पी साइड का फर्मी लेवल नीचे गया है और एन साइड का फर्मी लेवल ऊपर गया है। तो हमें याद क्या रखना है कि हमने जब पी साइड पे पॉजिटिव वोल्टेज दिया, जब हमने पी साइड पे पॉजिटिव वोल्टेज दिया तो उस पॉजिटिव वोल्टेज की वजह से जो फर्मी लेवल ऑफ पी साइड है, फर्मी लेवल का जो पी साइड है वो उसकी एनर्जी क्या हो गई, रिड्यूस हो गई, उसकी एनर्जी रिड्यूस हो गई और अब वो लोअर डाउन होके अब यहाँ पे ई एफ पी पे नजर आ रही है। उसकी एनर्जी जो है वो अब ई एफ पी पे नजर आ रही है। और वहीं जिधर साइड पे हमने नेगेटिव सप्लाई दी है, मतलब एन साइड पे हमने जो नेगेटिव सप्लाई दी है उसकी वजह से क्या हुआ है, जो एन साइड का फर्मी लेवल है वो थोड़ा सा एलिवेट हो गया, मीनिंग अपने जिस एनर्जी पे वो था उस एनर्जी से हायर एनर्जी पे पहुंच गया है। ठीक है, मीनिंग अब हम ये नहीं कह सकते कि हाँ पूरे 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 पीएन जंक्शन में फर्मी लेवल कांस्टेंट है, नहीं, अब तुम्हें कॉसी फर्मी लेवल्स मिल रहे हैं और जिस साइड तुमने पॉजिटिव सप्लाई दी उस साइड फर्मी लेवल में डिक्रीमेंट हुआ है और जिस साइड तुमने नेगेटिव सप्लाई दी उस साइड फर्मी लेवल में इंक्रीमेंट हुआ है। ठीक, और दूसरा चेंजेस क्या हुआ है पॉजिटिव सप्लाई देने की वजह से, यहाँ पे जो तुम्हारा एनर्जी बैंड था, एनर्जी बैंड का जो बैरियर था वो रिड्यूस हो गया, एनर्जी बैंड का जो बैरियर था वो रिड्यूस हो गया। नाउ अब इस एक बात समझनी है कि जब ये एनर्जी बैंड का ये जो बैरियर है ये जब रिड्यूस हुआ, इस एनर्जी बैंड का जो बैरियर है जो रिड्यूस हुआ, तो क्या अब जो हम इक्विलिब्रियम का जो दूसरा कंडीशन की हम बात कर रहे थे कि टोटल करंट तुम्हारी इक्वल टू नेट करंट जो होगी वो इक्वल टू जीरो होगी, वो नेट करंट इक्वल टू जीरो हो रही थी क्योंकि इस बैरियर हाइट ने डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड डिफ्यूजन ऑफ होल्स को स्टॉप कर रखा था, या ये कहें कि डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन और डिफ्यूजन ऑफ होल्स को उतना ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन और ड्रिफ्ट ऑफ होल के बराबर
कर रखा था, जिसकी वजह से टोटल करंट जो थी वो जीरो थी। बट अब क्योंकि ये जो बैरियर हाइट है उसमें रिडक्शन हुआ है, तो उस बैरियर हाइट की रिडक्शन की वजह से लार्ज नंबर ऑफ होल्स डिफ्यूज करेंगे फ्रॉम पी टू एन, लार्ज नंबर ऑफ होल डिफ्यूज करेंगे फ्रॉम पी टू एन एंड लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज करेंगे फ्रॉम एन टू पी, लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज करेंगे फ्रॉम एन टू पी एंड लार्ज नंबर ऑफ होल डिफ्यूज करेंगे फ्रॉम पी टू एन। अब इस डिफ्यूजन की वजह से, इस डिफ्यूजन की वजह से हमें एक करंट मिलेगी, इस डिफ्यूजन की वजह से हमें एक करंट मिलेगी जिसका डायरेक्शन क्या होगा, पी टू एन साइड, जिसका डायरेक्शन क्या होगा, पी साइड टू एन साइड। और ये करंट है कैसी, हो किसकी वजह से रही है, डिफ्यूजन की वजह से हो रही है। ये करंट बेसिकली किसकी वजह से हो रही है, डिफ्यूजन की वजह से हो रही है, ठीक है। ये करंट बेसिकली डिफ्यूजन करंट की वजह से हो रही है, मतलब डिफ्यूजन प्रोसीजर की वजह से हो रही है। नेक्स्ट, ये जो डिफ्यूजन प्रोसीजर है, पी साइड एंड दिस वन इज एन साइड, पी साइड पे होल का और एन साइड पे इलेक्ट्रॉन का डिफ्यूजन हो रहा है, ठीक है। क्योंकि बैरियर बेसिकली, ठीक, और ये जो पी साइड के होल और एन साइड के इलेक्ट्रॉन है, ये बेसिकली है क्या, पी साइड के मेजोरिटी कैरियर और एन साइड के मेजोरिटी कैरियर। ये बैरियर बेसिकली क्या कर रहा था, मेजोरिटी चार्ज कैरियर को स्टॉप कर रहा था ना, तो उन्हीं का डिफ्यूजन स्टार्ट होगा। जो यहाँ पे जो डिफ्यूजन होगा वो किसका हो रहा होगा, मेजोरिटी चार्ज कैरियर का। अब मेजोरिटी कैरियर का अगर डिफ्यूजन हो रहा है इधर साइड भी और इधर साइड भी, मीनिंग ये जो डिफ्यूजन करंट होगी वो ड्यू टू किसकी वजह से होगी, ड्यू टू मेजोरिटी कैरियर होगी, मेजोरिटी कैरियर की वजह से होगी। अब अगर मेजोरिटी कैरियर की वजह से होगी, मीनिंग ये तो हमें क्लियर है कि ये करंट कैसी होगी, लार्ज इन अमाउंट होगी, इस करंट का जो अमाउंट होगा वो काफी लार्ज होगा, ठीक। और इसी करंट को, ये जो पी साइड से एन साइड में जो करंट फ्लो हो रही है, इसी को हम क्या बोल देते हैं, फॉरवर्ड करंट। इसी करंट को हम क्या बोल देते हैं, फॉरवर्ड करंट। तो हमें कई सारे पॉइंट यहां पे समझने हैं कि जब तुमने इलेक्ट्रिक, जब तुमने पॉजिटिव सप्लाई दी एट पी साइड, तो उसकी वजह से क्या हुआ, तुम्हारी जो बैरियर हाइट थी वो रिड्यूस हुई बाय द अमाउंट माइनस क्यू वी एफ, राइट। देन इस रिडक्शन की वजह से, इस बैरियर हाइट की रिडक्शन की वजह से लार्ज नंबर ऑफ होल डिफ्यूज करना स्टार्ट किए फ्रॉम पी टू एन एंड लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज करना स्टार्ट किए फ्रॉम एन टू पी, ठीक। उनकी वजह से एक डिफ्यूजन करंट जनरेट हुई जिसकी डायरेक्शन कहाँ थी, पी से एन साइड में थी। और ये जो डिफ्यूजन करंट है वो किसकी वजह से हो रही है, मेजोरिटी चार्ज कैरियर की वजह से हो रही है। इसी वजह से इसका ये लार्ज करंट है, मीनिंग काफी हाई अमाउंट में हमें करंट मिलेगी यहाँ पे, ठीक। और इसी करंट को हमने क्या बोला है, फॉरवर्ड करंट। क्यों, क्योंकि फॉरवर्ड करंट जो है बेसिकली, जो ये करंट है वो बेसिकली फॉरवर्ड बायसिंग में जनरेट हो रही है, ठीक। तो हमें याद क्या रखना है कि फॉरवर्ड करंट जो है वो हमेशा डिफ्यूजन की वजह से जनरेट होती है। फॉरवर्ड करंट मेजॉरिटी कैरियर के डिफ्यूजन की वजह से जनरेट होती है। फॉरवर्ड बायस में जो करंट है वो मेजॉरिटी कैरियर के डिफ्यूजन की वजह से जनरेट होती है, ठीक है। अच्छा, ऐसा नहीं होगा कि इस टाइम पे माइनॉरिटी कैरियर की वजह से कोई करंट ही नहीं होगी, होगी लेकिन एक स्मॉल करंट होगी, ठीक। ये जो यहाँ पे जब हम इक्विलिब्रियम में बात कर रहे थे, तो इक्विलिब्रियम में, इस इक्विलिब्रियम में ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई थी, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस क्यू वी नॉट था, इस पोटेंशियल या इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक ड्रिफ्ट करंट जनरेट होती थी। ड्रिफ्ट करंट जनरेट होती थी मीनिंग क्या, ड्रिफ्टिंग ऑफ होल फ्रॉम एन टू पी होता था और ड्रिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम पी टू एन हो रहा था, ठीक है। मीनिंग क्या हो रहा था, माइनॉरिटी कैरियर्स की ड्रिफ्टिंग हो रही थी यहाँ पे। जब हम इक्विलिब्रियम में बात कर रहे थे तो हमने देखा था कि माइनॉरिटी कैरियर इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ड्रिफ्ट कर पा रहे हैं।
तो वो जो इक्विलिब्रियम में ड्रिफ्टिंग हो रही थी वो ड्रिफ्टिंग अभी भी होती रहेगी, और एक स्मॉल करंट एन टू पी साइड में हमें स्मॉल करंट एक मिलेगी, एक स्मॉल करंट एन टू पी साइड से में हमको मिलेगी, और ये स्मॉल करंट क्यों होगी, माइनॉरिटी कैरियर के ड्रिफ्ट की वजह से। ठीक है, हमें दो पॉइंट याद रखने हैं कि डिफ्यूजन जो हो रहा है वो मेजॉरिटी कैरियर्स का हो रहा है, और वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जनरेट हो रही है ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, ये जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है या जो ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड है, जब हम इक्विलिब्रियम में बात कर रहे होंगे तो केवल येलो वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने बनाई है केवल उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ड्रिफ्टिंग हो रही होगी माइनॉरिटी कैरियर्स की, और जब हम फॉरवर्ड बायस में बात कर रहे होंगे तो इस टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ड्रिफ्टिंग हो रही होगी माइनॉरिटी कैरियर्स की। मीनिंग फॉरवर्ड बायस में ड्रिफ्टिंग ऑफ माइनॉरिटी कैरियर्स हो रहा है, एंड डिफ्यूजन ऑफ मेजॉरिटी कैरियर हो रहा है। ठीक, और इस डिफ्यूजन की वजह से एक करंट जनरेट हो रही है पी टू एन, और इस ड्रिफ्ट की वजह से एक करंट जनरेट हो रही है एन टू पी, और ये जो ड्रिफ्ट की वजह से, ड्रिफ्ट ऑफ माइनॉरिटी कैरियर की वजह से जो करंट है वो काफी स्मॉल है, जबकि ड्रिफ्ट ऑफ सॉरी डिफ्यूजन की वजह से जो करंट जनरेट हो रही है वो डिफ्यूजन की वजह से जनरेट होने वाली करंट जो है वो काफी हाई है। नाउ एक और चीज जो इस फॉरवर्ड सप्लाई को देने की वजह से जो हो रहा है वो ये है कि जो तुमने ये डिप्लीशन विड्थ डब्ल्यू की बात की, ये जो डिप्लीशन विड्थ डब्ल्यू है इसकी विड्थ में बेसिकली रिडक्शन हो रहा है, इस डिप्लीशन विड्थ की में बेसिकली क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, इस डिप्लीशन विड्थ में क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। किस तरह से रिडक्शन हो रहा है, ये पॉजिटिव सप्लाई जो हमने यहाँ पे दी है, ये जो पॉजिटिव सप्लाई हमने दी है, पॉजिटिव सप्लाई की वजह से कुछ होल इधर मूव करेंगे, कुछ होल इधर की ओर मूव करना स्टार्ट करेंगे, कुछ होल यहाँ पे मूव करेंगे, और ये जो नेगेटिव चार्ज जो यहाँ पे डिप्लीशन रीजन में दिख रहा है, अनकवर्ड नेगेटिव चार्ज दिख रहा है, इस नेगेटिव चार्ज को कंपनसेट कर देंगे, ये जो होल्स हैं इस पॉजिटिव सप्लाई की वजह से इधर मूव करेंगे और इस नेगेटिव चार्ज को कंपनसेट करके उस नेगेटिव चार्ज को रिड्यूस कर देंगे। नेगेटिव चार्ज रिड्यूस हुआ मीनिंग पी साइड पे तुम्हारा जो डिप्लीशन रीजन की विड्थ है वो रिड्यूस हुई, नेगेटिव चार्ज रिड्यूस हुआ मीनिंग डिप्लीशन विड्थ रिड्यूस हुई, राइट। अब अगर ये डिप्लीशन विड्थ रिड्यूस इधर साइड पे जो ये नेगेटिव चार्ज रिड्यूस हुआ है तो बैलेंसिंग के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो है वो एक डाइपोल क्रिएट हो रहा है, इस बैलेंसिंग के लिए जो इधर जितने नंबर ऑफ होल यहाँ पे इन किए हैं उतने ही यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, ये इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो क्या कर रहे होंगे, यहाँ पे इन पॉजिटिव चार्ज को कंपनसेट कर रहे होंगे, इस पॉजिटिव चार्ज को क्या कर रहे होंगे, कंपनसेट कर रहे होंगे, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, पॉजिटिव चार्ज को कंपनसेट कर रहे होंगे, मीनिंग ये पॉजिटिव चार्ज भी रिड्यूस होगा, ये पॉजिटिव चार्ज रिड्यूस होगा, ये नेगेटिव चार्ज रिड्यूस होगा, मीनिंग ऑल टुगेदर ये क्या कर रहे होंगे, डिप्लीशन विड्थ को रिड्यूस कर रहे होंगे, इस डिप्लीशन विड्थ को रिड्यूस कर रहे होंगे। अब इसको एक बार फिर से देखेंगे, देखो जब हमने फॉरवर्ड बायस अप्लाई किया, जब यहाँ पे हमने फॉरवर्ड बायस अप्लाई किया तो उस फॉरवर्ड बायस की वजह से यहाँ पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव, और उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड ईएफ जनरेट हुई वो क्या कर रही है, डिप्लीशन रीजन की इलेक्ट्रिक फील्ड को रिड्यूस कर रही है, डिप्लीशन रीजन के इलेक्ट्रिक फील्ड को रिड्यूस कर रही है, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड रिडक्शन की वजह से, उस इलेक्ट्रिक फील्ड रिडक्शन की वजह से क्या हो रहा है, फर्स्ट पॉइंट बैरियर हाइट तुम्हारी रिड्यूस हो रही है, बैरियर हाइट तुम्हारी जो थी वो रिड्यूस हो रही है बाय द अमाउंट माइनस क्यू वी एफ, बैरियर हाइट तुम्हारी रिड्यूस हो रही है बाय द अमाउंट माइनस क्यू वी एफ। ठीक,
एट द सेम टाइम जो फर्मी लेवल अभी तक कांस्टेंट था वो फर्मी लेवल क्वासी फर्मी लेवल में चेंज हो गया है, और जिधर साइड पे हमने नेगेटिव सप्लाई दी है उसका उसका फर्मी लेवल उसके फर्मी एनर्जी लेवल में इंक्रीमेंट हुआ है, और जिधर साइड पे हमने पॉजिटिव सप्लाई दी है उसके फर्मी एनर्जी लेवल में रिडक्शन हुआ है, और ये दो फर्मी एनर्जी लेवल हमें दिख रहे हैं ईएफपी और ईएफएन। अब क्योंकि बैरियर हाइट इस पॉजिटिव वोल्टेज की वजह से बैरियर हाइट तुम्हारी रिड्यूस हुई है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, एक हाई डिफ्यूजन करंट जनरेट हो रही है। हाई डिफ्यूजन करंट का मतलब क्या है, होल तुम्हारे डिफ्यूज कर रहे हैं दिस वे एंड इलेक्ट्रॉन तुम्हारे डिफ्यूज कर रहे हैं दिस वे, होल तुम्हारे डिफ्यूज कर रहे हैं दिस वे एंड इलेक्ट्रॉन तुम्हारे डिफ्यूज कर रहे हैं दिस वे। ठीक, अगर होल इधर डिफ्यूज कर रहे हैं, मीनिंग क्या है, ये जो वायर हमने लगाई है, ये जो वायर होगी ये मेटल की होगी, और मेटल में होल्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है, तो हम यहाँ पे इसी चीज को इलेक्ट्रॉन से शो करेंगे। अगर होल इधर डिफ्यूज हो रहे हैं, मीनिंग यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कुछ की डायरेक्शन, फ्लो ऑफ डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन कुछ इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रॉन कुछ इस डायरेक्शन में ऐसे फ्लो हो रहे हैं। ठीक, जितने इलेक्ट्रॉन यहां से ऐसे इन कर रहे हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन यहां से ऐसे सप्लाई हो रहे हैं, उसी की वजह से यहाँ पे टोटल हमें एक क्या है, एक हाई डिफ्यूजन करंट मिल रही है जिसकी डायरेक्शन जो है इलेक्ट्रॉन फ्लो के डायरेक्शन के अपोजिट यानी पी टू एन है। ठीक है, यहाँ अंदर डिफ्यूजन हो रहा है होल्स का पी टू एन और इलेक्ट्रॉन का एन टू पी, उसी की वजह से हमें एक करंट मिल रही है फ्रॉम पी टू एन। बाहर हम जब देखेंगे तो हमें यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन मूव करते समझ में आएंगे, और इस इलेक्ट्रॉन मूवमेंट के अपोजिट में एक डायरेक्शन फ्लो, अपोजिट डायरेक्शन में एक करंट फ्लो हो रही होगी जिसको हमने डिफ्यूजन करंट बोला या डिफ्यूजन या फॉरवर्ड करंट बोला है, डिफ्यूज फॉरवर्ड करंट बोला है, जो कैसे जनरेटेड, डिफ्यूजन ऑफ मेजॉरिटी कैरियर की वजह से। एट द सेम टाइम ये जो होल्स हैं ये नेगेटिव चार्ज को और ये जो इलेक्ट्रॉन है पॉजिटिव चार्ज को कंपनसेट कर रहे हैं, उसकी वजह से क्या हो रहा है, डिप्लीशन विड्थ तुम्हारी जो है वो रिड्यूस हो रही है, डिप्लीशन विड्थ जो है वो रिड्यूस हो रही है। ठीक, हो सकता है कुछ एक टाइम ऐसा भी आए कि हम अपने पोटेंशियल वीएफ को बढ़ाते जाएं, एक सर्टेन टाइम के बाद यहाँ पे जो डिप्लीशन विड्थ है वो जीरो हो जाए, यहाँ पे जो डिप्लीशन विड्थ है वो जीरो हो जाए। ठीक, हाँ, एट द सेम टाइम यहाँ पे माइनॉरिटी कैरियर की वजह से एक ड्रिफ्ट करंट भी जनरेट हो रही होगी, माइनॉरिटी कैरियर की वजह से एक ड्रिफ्ट करंट भी जनरेट हो रही होगी जिसकी डायरेक्शन क्या होगी, एन टू पी, एंड इसका अमाउंट काफी स्मॉल होगा, इसका अमाउंट काफी स्मॉल होगा। ओके, सभी लोग अपनी अटेंडेंस मार्क कर देंगे, एंड अगर किसी को कोई डाउट है इस पूरे डिस्कशन में फॉरवर्ड बायस में तो वो अभी पूछ ले, क्योंकि कई सारे कॉन्सेप्ट कई सारी चीजें एक साथ मर्ज हुई हैं, तो अगर कहीं कुछ दिक्कत आ रही हो। No doubt, sir. सभी लोगों ने अटेंडेंस मार्क कर दिए, कोई
कोई ऐसा तो नहीं जिसकी अटेंडेंस अभी मार्क नहीं हो पाई है? ठीक है, थैंक यू क्लास।